देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारा पूरा बिखरा परिवार फिर से साथ हो गया है। किसका फोन है चंद्रिका? रुद्र जी का फोन आया है। रुद्र जी, क्या कमाल करती हैं। अगर मेरा दिमाग खिसका ना तो यहीं खड़े के खड़े तुझे भस्म कर दूंगा। जैसे चित्रा की आत्मा को जमीन में गाड़ा है, वैसे तुम्हारी आत्मा को जमीन में गाड़ देंगे। और तुम्हारा ये पोल है ना, संसार को बता देंगे ये कातिल है, कातिल। हमारी सच्चाई तू दुनिया के सामने लाएगा, अब तुमको बताते हैं नीला की लीला का। रुक जा नीला, सुन मेरी बात। ए नीला, क्या कर रही तू? नीला मत कर, नीला मत, मैं चल जाऊंगा। नीला, ए नीला रुक जा, तुझे जो चाहिए मैं करके दूंगा। नीला मत कर, नीला मत कर, नीला नीला मत कर। नीला मैं कह रहा हूँ तुझे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नीला तो मत कर, नीला मैं चल जाऊंगा। ए नीला रुक रुक, नीला मत कर। अरे अम्मा जी, आप यहाँ? शेर सिंह यहाँ कैसे आ गया? तांत्रिक की लाश अंदर पड़ी है, जाके उसको ठिकाने लगा दो। हो जाएगा मैडम, लेकिन ठीक है ठीक है, हवेली में आ जाना, तुम्हारा इनाम तुमको मिल जाएगा। पहले जो बोले हैं वो करो। हो जाएगा अम्मा जी, लेकिन एक बात बताइए, उसको कैसे मारी है? मौत का दूसरा नाम नीला देवी, और नीला देवी तड़पा के मारती है, यानी के जला के मारती है। एक बात याद रखना शेर सिंह, तुम्हारा मुंह रहते हुए भी तुम गुंगे हो, कान रहते हुए भी बहरे हो, और आंख रहते हुए भी अंधे हो। हाँ मां, हम समझ गए, हम तो अंधे हैं, हम तो अंधे हैं, हम तो अंधे हैं, हम तो बहरे हैं, हम तो एकदम गूंगे हैं, ना हम कुछ सुने, ना हम कुछ देखे, ना हम कुछ बोलेंगे। तो जा, जाके लाश को ठिकाना लगा दो। वैसे एक बात बताओ, हम यहाँ कैसे आए? हमरा कहने का मतलब है कि तुमको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? अरे अम्मा, हमसे रुद्र भैया फोन किए थे हमको, कह रहे थे कि हमेशा अम्मा के साथ रहना, कहीं से कौनो बड़ा कांड होने वाला है। ठीक है, तुम जाओ, जाके लाश ठिकाने लगाओ। ठीक है मैडम, जाओ। नमस्ते। यानी के हमरा शक सही था, रुद्र हमरी जासूसी कर रहा। ये तो बहुत बढ़िया है, हम लोग जो चाहते हैं कि नीला देवी और रुद्र के बीच में झगड़ा हो, वो तो आपके रुद्र भैया खुद ही कर रहे हैं। पर अभी तक हमें वो नहीं मिला है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं।
हमारे पूरे मिशन का जो मकसद है वही पूरा नहीं हो पा रहा है, जरा जरा सी चीज छूट जा रही है। हो जाएगा बिटिया, इसमें इतना दुखी होने कौनो बात नहीं है। नानी, लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक हम अपनी माँ की आत्मा का पता नहीं लगा पाए, और ना ही नीला देवी का कन्फेशन हमारे हाथ आया है। हताश मत हो बेटा, अभी तक जितना सबूत हम लोग इकट्ठा किए हैं ना, पहले तो इतना भी नहीं था। रावण का वध जितना निकट आता गया, भगवान श्री राम का कठिनाई वैसे वैसे बढ़ता गया, और यही युद्ध की नीति होती है, और ऐसे समय में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, सच कह रहे हैं आप सब, हम ही हड़बड़ा जा रहे हैं। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारा पूरा बिखरा परिवार फिर से साथ हो गया है। किसका फोन है चंद्रिका? रुद्र जी का फोन आया है। हाँ तो उठाओ, देखो क्या बोलते हैं। अरे बबली जी, आप कहाँ हैं? अरे आपकी अम्मा की सुरक्षा के लिए हवेली में नौकरी लगी है, और आप हवेली में नहीं हैं। आपको तो मालूम है ना कि अम्मा पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसलिए हमको लगता है कि आपको हवेली छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहिए। हम अभी आ रहे हैं रुद्र जी। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जाओगी। क्यों दादाजी? क्योंकि हमको उसके बाद से खतरे का अंदेशा लग रहा है। जिस तरह इतनी कठिनाइयों के बाद भी भगवान श्री राम विजय हुए थे, उसी तरह हम भी जरूर विजय होंगे दादाजी, हमें पूरा भरोसा है। विजयी भव बेटा, विजयी भव। हेलो, कोई है? रुद्र जी, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रुद्र जी, कोई है? राज के बारे में पता चल गया। चंद्रिका सिंह, सुपुत्री चित्रा माधो सिंह, आपका हार्दिक स्वागत है। वाह चंद्रिका जी वाह। क्या कमाल करती हैं। जानती है चंद्रिका जी, हमारी अम्मा भी ना अजीबे महिला है। कहा सोच रही हैं कि वो माधव और चित्रा को मार करके माधव चित्रा का वंश खत्म कर दी, लेकिन वो भूल गई थी कि उन्होंने एक सपोले को जिंदा छोड़ दिया है, और वो सपोला नागिन बनके सासाराम के सबसे खतरनाक महिला नीला देवी और उसके लाडले बेटे
रुद्र को डसने के लिए आई हुई है। वाह, क्या कहानी है, इस पे तो एक पिक्चर बनना चाहिए। हाँ बताओ, तू हमारे भाई कार्ती बेचारा पिछले 10 साल से एक बढ़िया फिल्म बनाने के लिए कहानी ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था। अरे उसको क्या पता कि बहुत बढ़िया कहानी तो अपने ही घर में मिल गया है। बनाएंगे, और जानती हो वो फिल्म का स्टार्टिंग का होगा, बचपन में एक बच्ची के माता पिता को मार दिया जाता है और वो बच्ची धीरे 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 इतनी बड़ी होकर के अपने माता पिता का बदला लेने के लिए हमारी हवेली में आ जाती है। वाह, आप फिल्म का शुरुआत मिल गया, मजा आ जाएगा। अगर ये फिल्म बना ना तो देखिएगा सुपर डुपर हिट होगा, सुपर डुपर हिट। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, इतना बढ़िया फिल्म की स्टोरी है चंद्रिका जी, इतना बड़ा पिक्चर हम लोग बनाएंगे, लेकिन वो फिल्मों का टाइटल तो होना चाहिए ना कुछ, आपके दिमाग में है कुछ हो? हाँ, बदला बदला बदला। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा फिल्म और नाम इतना छोटू सा, अच्छा नहीं लगे। माँ बाप का बदला। अरे नहीं यार रुद्र, तुम भी बेवकूफों जैसा बात करते। अरे छोटी अम्मा भी तो थी ना उसमें, तो उसका नाम होना चाहिए माँ बाप और छोटी अम्मा का बदला। हमको लग रहा है कि ये भी आपको टाइटल पसंद नहीं आया है ना चंद्रिका जी, अच्छा नहीं लगा ना? ये टाइटल अच्छा लगना चाहिए आपको, पोती का बदला दादी से, चाहे भतीजी का बदला चाचू से। आप मुस्कुराए नहीं, इसका मतलब ना कि आपको मजा नहीं आया ये नाम में, कुछ और सोचते हैं। हाँ मिल गया, हमको मिल गया ना सतपुड़ा का बदला, अच्छा टाइटल है ना चंद्रिका जी। खेलने कूदने का उम्र है तुम्हारा, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा भविष्य बनाने का उम्र है तुम्हारा, क्या जरूरत था तुमको? अरे क्या जरूरत था नीला देवी जैसा खतरनाक महिला से बदला लेने का? अरे क्या जरूरत था तुमको हमारी हवेली में आने का? बताते हैं तुमको, अच्छा बताते हैं। अरे एक बात तो बताना हम भूलिए क्या चंद्रिका जी, जानती हैं ये फिल्मों के प्रोड्यूसर कौन होगा? अरे ये फिल्मों के प्रोड्यूसर हम ही होंगे। अरे समझती हो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? अरे प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो फिल्म में पैसा लगाता है। हम लगाएंगे, हम बनाएंगे ये फिल्म। अभी फिल्म में मेन विलन ना
हम ही रहेंगे। अब तुम्हें पता ना, इतना हैंडसम, इतना प्यारा, इतना हुनहार विलन होता है कहीं किसी फिल्म में। और सबको बताइएगा कि हमारे हैं प्यारे विलेन चाचू। देखो बात बोले चंद्रिका, अरे हमको ना तुम पे बहुत दया आ रहा है। लेकिन क्या करें, हम दयालु हैं ही नहीं। अरे हम दयालु नहीं हैं, तुम कहीं नहीं समझ रही हो, हम दयालु नहीं हैं, नहीं हैं हम दयालु, बोले ना हम तुमको। अरे मेरी प्यारी भतीजी, अरे तुम चुपचाप मार काहे खाया जा रही हो। हम तो सुने थे कि तुम बहुत बड़ा बाउंसर हो, पल भर में बड़े से बड़े पहलवान को खट से चित कर देती हो। कहां गया तुम्हारे हाथ में ही ताकत? लो मारो मारो मारो, अरे मारो ना। क्या हुआ? अरे तुम्हारे तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है का? उनको अब समझ में आ गया, हमारा आतंक देख करके तुम अंदर से आतंकित हो गई हो। जानती हो बाउंसर कैसे मारता है? हम तुमको दिखाते हैं। चाचा जी, ये लगातार पिटती क्यों जा रही है? जब भी हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको इशारा करके रोक दे रही है। क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि रुद्र भैया आवेश में आकर ऐसा कुछ बोल दे जिसको रिकॉर्ड करके उनके खिलाफ हम सबूत के रूप में इस्तेमाल करें। महारानी चंद्रिका सिंह, माधव सिंह और चित्रा सिंह की सुपुत्री, अरे इतनी कमजोर कैसे हो गई आप अचानक? बदला लेने आई हो ना? अरे अपने चाचू से बदला लेने आई है ना, लड़िए ना। ये बदला बदला लेने आई थी ना तुम अपने माँ बाप और छोटी अम्मा का? हाँ हम बदला लेने आए हैं, अपने माँ बाप का बदला लेने आए हैं हम। आपने ही मारा है ना हमारे माँ पापा को। कैसे समझाए इस बच्ची को? अरे हम नहीं रे चंद्रिका, हमारी अम्मा ने मारा है तुम्हारे मम्मी पापा को। वो भी जला करके। हाँ तुम काहे नहीं समझ रही हो चंद्रिका, हम सही कह रहे हैं। नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। वो बहुत दयालु औरत है। आपने मारा है हमारी माँ बाप को। तुम हमारी अम्मा को नेक और रहमदिल समझ रही हो। अरे हमारी अम्मा कतलेआम की मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड। तुम उनको नेक समझ रही हो। अरे हमारी अम्मा शैतान है, शैतान समझी तुम? हमारी अम्मा एक नंबर की क्रूर महिला है। अरे हमारी अम्मा को तुम हमसे ज्यादा जानती हो। हमारी अम्मा ना सामने वाले को कच्चा चबा जाए और डकार भी न ले, तभी तो उनके कोख में हमरे जैसा शैतान पैदा लिया। शाबाश रुद्र भैया, अब आपने कही ना हमारी काम की बात। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने गुनाहों को अम्मा जी के सर पर मढ़ रहे हैं। आपने ही सबको मारा है और हमको तो लगता है कि अब आप अम्मा जी को भी मार देंगे। तुम हमारी अम्मा को जितनी नेक और सीधी समझती हो ना, उतना ही खतरनाक है। अरे पल भर में लोगों को जिंदा जला देती हैं, गला इसे काटती हैं जैसे उनके लिए लगता है कि कोई खिलौने वाला काम है। अरे चंद्रिका जी,
हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और आपको डर नहीं लग रहा है? जानती हैं चंद्रिका जी डर किसको कहते हैं? अभी दिखाते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ अच्छा लगा आपका डर देख करके। अच्छा लगा चंद्रिका जी, अच्छा लगा।